दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में पुनः माननीय सम्माननीय कमल दोहरे जी हैं। जो पिछला क्वेश्चन किया गया था, भारत में आदिकाल से महिला की स्थिति क्या थी, पूरा आपको सुनाया गया, जानकारी भी मिली। अब दूसरा क्वेश्चन जो रह गया था, महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार किया गया, कैसे किया गया, इसकी चर्चा के लिए हम पुनः अपने दोहरे जी से आमंत्रित कर रहे हैं और इनसे क्वेश्चन दोबारा पूछने वाले हैं कि सर जी, जो शेष भाग रह गया उसके बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। तो सर जी, नमो बुद्धाय जय भीम। राय जी, सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी, हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं की स्थिति के सुधार में क्या क्या कार्य किए गए हैं, इसके बारे में आप पूरी चर्चा करें। देखिए राय जी, पिछले एपिसोड में जब आपने इंटरव्यू अपना पूछा था, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आदिकाल की वर्णन की गई थी जी, और उस समय भी कुछ लोगों का योगदान लगभग उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था, जैसे माँ सावित्री बाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राव और तत्कालीन उस समय की ब्रिटिश हुकूमत जी। तो इन लोगों की बदौलत भी काफ़ी कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन अब इसके आगे क्या क्या हुआ, आज भारत देश आज़ाद है और आज़ाद देश में किन किन लोगों के सहयोग से महिलाओं की स्थितियों पर सुधार हुआ है, सही बात, उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आपको बताते हैं, जैसे भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा का अध्यक्ष परम आदरणीय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को बनाया गया। उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनी, तो उसी समय से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर चर्चा शुरू कर दी थी संविधान सभा में भी जी। जब संविधान बन रहा था देश का, उस समय चूंकि संविधान बनने में काफ़ी समय लगा, उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी एक एक टॉपिक पर, और ख़ास तौर पर उन्होंने उसको अलग भाग भी बनाया था, उसको कर दिया था हिंदू कोड बिल। अच्छा, ये रखा गया था हिंदू कोड बिल। तो ये चर्चा उन्होंने शुरू कर दी थी, और जब इन्होंने इस पर काफ़ी बहस शुरू की गई संविधान सभा के अंतर्गत, उन्होंने रखा अपने इनकी प्रस्तुति की जी। तो कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, और सारी चीज़ें, संपत्ति के अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, नौकरी में अधिकार होना चाहिए, प्रसूतिकालीन अवकाश होना चाहिए, ड्यूटी निर्धारित होना चाहिए, तो ये तमाम सारी चीज़ें महिलाओं के लिए थी। वो ख़ास तौर पर तलाक के संबंध में, पुनर्विवाह के संबंध में, बाल विवाह प्रथा के संबंध में रोक, ये कई गोदनामे के संबंध में, कई चीज़ों के अधिकार पहले नहीं थे जी। आज तो आप किसी का बच्चा गोद ले लें, उसको रजिस्टर करा लें जा करके, तो आपका बच्चा वो रहेगा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन है और कानूनी प्रक्रिया से किया गया, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं जी। तो ये तमाम सारे अधिकार, क्योंकि कई महिलाओं की ये पोजीशन थी कि उनके पति जो है एक से अधिक महिलाओं से शादी भी कर लेते थे जी। या गांव में अलग, शहर में अलग, ये तमाम चलते रहते थे। उन तमाम स्थितियों को देखते हुए बाबा साहब का इसमें अभूतपूर्व योगदान रहा, और चूँकि बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर तो ये कहते भी थे कि किसी भी संप्रदाय की स्थिति उस संप्रदाय की महिलाओं की प्रगति से आंकी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको बराबर निरंतर ध्यान में रख करके उन्होंने इस पे कार्यक्रम बनाया चलाया। हालांकि उस समय जब महिलाओं की उन्होंने बात की, तो 1848 और 49 में ही तो पूरे देश में बहुत एक जोर की तरीके से विरोध किया गया, पूरे देश के अंदर जी। यहाँ तक कि मतलब इतना विरोध हुआ कि विरोध सड़कों पर भी आया। आपको नाम एक याद कराएं, करपात्री महाराज थे जी। जो कि उस समय जो है जो चल रही थी, वो संस्थापक थे अखिल भारतीय राम राजा परिषद के। अखिल भारतीय राम राजा परिषद के जो संस्थापक थे करपात्री महाराज, आरएसएस के प्रमुख जो थे उस समय के, सब लोग जानते हैं बोल बलकर उस समय जो है उनके नेतृत्व में, और तमाम हिंदू सभा, हिंदू संगठनों की तमाम शाखाओं के द्वारा, और साधु संन्यासी पुजारी पूरे देश में जी।
इन लोगों ने बड़े पैमाने पर सड़क पे उतर के विरोध शुरू किया था। यहाँ तक कि जगह जगह पूरे देश में विरोध हुआ कि नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, महिलाओं के अधिकार के हम लोग विरोध करते हैं। पूरे देश में विरोध शुरू किया गया और यहाँ तक कि पूरे देश को विरोध इकट्ठा करके 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की गई कि ये संविधान सभा के अंतर्गत जो अंबेडकर चाहते हैं कि इनको अधिकार मिलना चाहिए, ये नहायत ही गलत है। ऐसे देश में हिंदू धर्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी हमारी प्रथाओं पर रोक लगाना चाहते हैं, धर्म को गड्ढे में डालना चाहते हैं, धर्म विरोधी है, ये धर्म नाशक हैं, तमाम प्रकार से उस समय बहुत सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है उनका विरोध किया। मार्च निकाले गए देश की संसद में, दिल्ली में भी मार्च निकाले गए, कुछ महिलाओं को भी इन पंडित पुजारियों ने और तमाम आरएसएस के लोगों ने, हिंदूवादी तमाम संगठनों ने, अज्ञानता के अभाव में मानते हैं हम इसको जी, उनको इतना ज्ञान नहीं था, वो अपने आप में भले ही समझे कि हम उस समय ज्ञानी थे लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अज्ञानता, क्योंकि अगर वो बराबरी पे नहीं आते तो आज देश की स्थिति ना होती। सही बात है। उन अभाव में महिलाओं को भी अज्ञानता के अभाव में तैयार करके कई महिलाओं को भी सड़क में उतार दिया, मतलब पुरुष तो विरोध कर ही रहे थे लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है कि हमारी बात हो रही है और हमारे हित की बात हो रही है, लेकिन उनको गुमराह करके उनको भी सड़क पे ले जाने का काम किया कि इसका बहुत बड़े पैमाने पे इसकी मतलब खिलाफत की गई। और ये तो हमने आपको बताया कि बाहर की गई, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत हुई उस समय, संसद भवन के अंदर, संसद के अंदर भी माननीय राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने भी इसका खुल के विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, वो भी महिलाओं के इस पक्ष में नहीं थे, उसको वापस करते थे तुरंत, वो 1% इसके पक्ष में नहीं रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं रहे, सरदार पटेल जी नहीं रहे, जो हमारे वरिष्ठ नेता, ये सब ये इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा टांग अड़ाने का काम किया, संसद के बाहर लोगों ने किया, संसद के अंदर किया, जो मतलब जिनको नहीं करना चाहिए, जो अंदर वाले थे उन्होंने अंदर किया, उन्होंने बाहर वाले थे उन्होंने बाहर किया, तो ये बराबर उन लोगों का जो है करते रहे ये विरोध, इसकी शुरुआत तो हो ही गई थी जी। तो ये जब लगातार चला तो हालांकि उन्होंने कई चीज़ें रखी थी उसमें, विरोध किन बिंदुओं पर हो रहा था, जो बिंदु थे उस समय के महिलाओं के हित में, जैसे कि विवाह विच्छेदन का अधिकार, हमारी आपकी पटरी नहीं खा रही, हमें अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी शादी को या विवाह को तोड़ सकते उस समय तक ये अधिकार नहीं थे, उसके पहले तक, तो विवाह विच्छेदन का अधिकार, अंतर जातीय विवाह का अधिकार, ये अधिकार भी नहीं था पहले अंतर जाति की विवाह नहीं कर सकते, नहीं पावर ही नहीं थी, अवैध था। अंतर जातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार, कोई विडो हो गई है, विधवा हो गई है तो वो दूसरी शादी कर ले, इन चीज़ों को बाबा साहब कहते थे कि ये मिलना चाहिए इनको अधिकार, और देश में संसद के अंदर और बाहर लोग कह रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत बात हो रही है, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये लोग विरोध में खड़े थे। तो ये अधिकार थे, एक से अधिक विवाह पर रोक, मतलब कोई पति जो है या पत्नी दोनों के लिए, पति या पत्नी, महिला हो चाहे पुरुष, महिला है तो वो नहीं कि हम दो पुरुषों से कर लें, पुरुष है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वो दो स्त्रियों से कर लें, एक से अधिक पुरुष या एक से अधिक मतलब एक से अधिक विवाह पर रोक कोई भी हो। गोदनामे में सहमति का अधिकार, भाई सहमति बिना, अभी क्या है, पहले क्या था कि जिसको हमने कह दिया कि मैंने अपने भाई के बच्चे को रख लिया है, ये हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, हमारी अगर औलाद नहीं है, उसमें अधिकार मिलना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों की सहमति होना चाहिए जिसको होना है। सही बात, ये अधिकार संविधान सभा में बाबा साहब इसके लिए लड़ रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए, गोदनामे का। शिक्षा में अधिकार होना चाहिए, नौकरी में आरक्षण वो अधिकार होना चाहिए, और किसी भी दशा में लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, वैसे किसी भी दशा में, मतलब ये नहीं कि पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, मतलब लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, उनको समानता के अधिकार मिलना चाहिए, और बाल विवाह पर तत्काल इसमें कठोर कदम उठाते हुए रोक लगनी चाहिए, कानून बन, मतलब अभी तो ये कानून बना बाद में जाके कि 18 वर्ष से नीचे आप शादी नहीं कर सकते, बालिग हैं तो आप मैरिज के हकदार हैं, नाबालिग हैं
तो अब मैरिज के अधिकार नहीं है। तो एक ये भी था कि बाल विवाह पर रोक लग जानी चाहिए। इन अधिकारों के लिए जब वो लड़े और हिंदू कोर्ट बिल में उन्होंने ये तमाम सारी चीज़ें अपनी रखी और उसमें उसके 9 भाग थे, 139 धाराएं थीं और जिसमें 7 सूचियां थीं, उन सारे मुद्दों पर लगातार जब विरोध देश के अंदर, संसद के बाहर, संसद के अंदर ये सब चलता रहा, लेकिन हालांकि उस बिल के समर्थन में भी लोग थे, संसद के बाहर भी बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे थे और संसद के अंदर भी लोगों ने समर्थन किया। ये तो हमने आपको नाम बताए कुछ विरोधियों के, सही, जो संसद के अंदर विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर समर्थक थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक भी थे जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके समर्थक थे, राष्ट्रपति विरोध में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार इस पर कह रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, तो ये समर्थन भी उनका था। दुर्गाबाई देशमुख संसद के अंदर समर्थन कर रही थी, राजकुमारी जी, अमृत कौर जो भारत की प्रथम केंद्रीय महिला है, महिला मंत्री, सेंट्रल के अंदर अगर कोई प्रथम महिला मंत्री है तो वो अमृत कौर है, अमृत कौर है, जिन्होंने जोरदार तरीके से इनकी प्रत्येक हिंदू कोर्ट बिल के बिंदुओं का महिलाओं के लिए समर्थन कर रही थी, हर तरीके से समर्थन कर रही थी। तो तमाम लोग जो है, यहाँ तक कि जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश भारत, उस समय के मुख्य न्यायाधीश भारत जो थे पीवी गजेंद्राकर, वो भी इसके पक्ष में थे कि नहीं ये महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, बराबर जो है ये लोग पक्ष में रहे, कोशिश करते रहे। लेकिन तमाम विडंबनाओं के बाद, देश आज़ाद होने के बाद संविधान लागू होते होते तक हिंदू कोड बिल उसमें शामिल तो हो गया लेकिन पास नहीं हुआ। बाद में भी संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पास नहीं हुआ, हिंदू कोड बिल पे वापस कर दिया गया, हिंदू कोड बिल वापस कर दिया गया, जिससे बाबा साहब नाराज भी बहुत हुए, बहुत ज़्यादा नाराज हुए। जब बिल वापस हुआ तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया 27 सितंबर 1951 को, कानून मंत्री थे वो, आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद भी उस पर मोहर नहीं लग पाई, पहले भी नहीं लग, प्रयास करते रहे तब भी नहीं लग पाई, बाद में भी पूरी नहीं लग पाई। 51 में जब उनको जब लगा कि जब उन्हें वापसी ही हो गया तो 27 सितंबर 1951 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उस समय आपको बताएं कि बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली इस्तीफा देने के बाद, बोली कि मेरा बेटा जब ख़त्म हुआ था उस समय मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना इस बिल के वापस होने पर मुझे दुख हो रहा है, ये बाबा साहब ने बोला। हालांकि उनके जीवंत काल में ही ये हिंदू कोड बिल बाद में 1955 में, 56 में, 61 में टुकड़ों में पास हुआ है, मतलब जी जितने हमने बिंदु बताए थे जैसे बाल विवाह नहीं होना चाहिए, पुनर्विवाह का अधिकार, ये तमाम सारे जो अधिकार थे, जैसे हिंदू विवाह बिल आपका 1955 में ही पास हो गया, उत्तराधिकारी बिल पास 56 में हो गया, कुछ बिल बचे तो वो 61 में हो गए, लेकिन अब आज की तारीख में पूरा का पूरा लगभग हिंदू कोड बिल भारतीय संविधान के अंतर्गत जितना था वो पूरा का पास है और उसके आधार पर ही आज देश चल रहा है। और आज देश में महिलाओं को समानता के अधिकार मिले हुए हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर के भारत की महिलाएं पुरुषों के साथ लगातार योगदान कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि बड़ी तेजी के साथ करते हुए इस देश को आगे ले जाने का काम करें। तभी तो सर जी लिखा है किसी ने, ए शान ए शौकत ए ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, खुशियाँ ना मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर जी बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।